नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं विपुल माहेश्वरी। देश भर में आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। वहीं दिल्ली जयपुर राजमार्ग स्थित निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान में 74वें स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में ध्वजारोहण किया गया। देखिए रिपोर्ट। देश भर में आज स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। वहीं बतौर मुख्य अतिथि निम्स विश्वविद्यालय की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर शोभा तोमर ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। डॉक्टर शोभा तोमर ने कहा कि भारत की आज़ादी आज 74 वर्ष की हो गई है। उन्होंने निम्स विश्वविद्यालय के सभी स्टाफ और छात्र छात्राओं को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। आप सभी को मेरी तरफ से पूरे निम्स विश्वविद्यालय को स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। आप सब यहाँ आए, मनाया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और इसी तरीके से आप आगे भी काम करते रहिए, जिससे कि हमारी यूनिवर्सिटी का नाम सारी दुनिया में रोशन हो, यही मेरा आशीर्वाद है आपको। निम्स की तरफ से मैं सारे राजस्थान और देशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की बधाई देती हूँ। इस अवसर पर हमारे निम्स यूनिवर्सिटी ने कोविड लैब बना रहे हैं, जो कि जितने भी कोविड के टेस्ट हैं सब बहुत कम दरों पर किए जाएंगे, बहुत से को फ्री भी कर देंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर संदीप त्रिपाठी ने सभी अतिथियों का धन्यवाद किया। कार्यक्रम का संचालन आशीष माथुर ने किया। इस अवसर पर निम्स विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक और स्टाफ भी मौजूद रहे। स्पेशल डेस्क से न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।